हम जो मेकअप की शुरुआत करें सबसे पहले वो मोना इमरान के जोड़े से करें जो गरारा पैंट्स हैं और आजकल बहुत इन है इस पे कैसे बाल और कैसे मेकअप आप देना चाहेंगे। अच्छा ब्लैक जो होता है ना ब्लैक बड़ा मुश्किल कलर भी है और बहुत आसान भी है अगर समझ के करें तो बहुत और नो मेकअप भी अच्छा लगता है। अगर हम सिर्फ इनके ऊपर रेड लिपस्टिक लगा देंगे और मस्कारा करेंगे तो ये मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम टीवी पे आए आपके लिए आए तो हम बताएंगे। अच्छा बहुत हम कम मेकअप लगाएंगे गोल्ड शेड करेंगे क्योंकि गोल्ड हर किसी का अलग अलग करोगे ना हर किसी का अलग होगा फॉर श्योर हर किसी का अलग होगा। अभी हम इनके जैसे इनके कपड़ों में बहुत ज्यादा गोल्ड है और ये बहुत ज्यादा ईस्टर्न से है जैसे शादी में जा रहे हैं और दुल्हन की बहन ने पहना हुआ है दूल्हा की बहन ने पहना हुआ है शादी ब्याह ये बहुत शादी ब्याह टाइप कपड़े हैं तो हम गोल्ड के साथ करेंगे। तो अगर मुझे हुमा मोना मुझे सामान आज अभी टेबल जरा प्लीज एक इधर मंगवा दो मेरा मसला मैं लेफ्टी हूं आप लेफ्टी हैं और आपको उधर टेबल चाहिए। आपको पता है जब 4 साल आपका मेकअप किया मेकअप रूम में इतनी सी जगह पे खड़े होकर मैंने मेकअप किया हां बिल्कुल लेफ्ट पे शहजादी तो उधर खड़ी हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो क्या और बहुत आसान टेक्निक होगी कि आप अच्छा, आराम से मेकअप कर अच्छा, सकते हैं। एक मुझे सवाल का जवाब दो कौन सा कलर नो है ब्लैक कपड़ों के साथ कौन सा कलर तुम्हें लगता है कि नहीं कभी भी करना चाहिए। नहीं नहीं ब्लैक के साथ तो कोई भी नो नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी नो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए लिपस्टिक नो है। नहीं नहीं आप ब्लैक के साथ रेड भी लगा सकते हैं रेड ऑरेंज पिंक सब लगा सकते हैं बट आपको कैरी करना आना चाहिए। अच्छा हाँ आपको कॉन्फिडेंस आपको चीजों को आपको कैरी करना आना चाहिए क्योंकि पता नहीं ब्लैक कपड़े पहनने से तो मोटे मोटे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको लगता है मुझे जितने हैं उसे थोड़े बहुत तो पतले लग ही रहे होंगे। बिल्कुल अच्छा अब इनका क्या नाम क्या है अच्छा मायरा ओके क्या अच्छा ब्लैक अभी क्या है कि हम हल्की सी बेस लगाएंगे मायरा की स्किन बड़ी फ्रेश सी है वैसे भी इतनी बड़ी नहीं है मायरा छोटी एज की है तो हम बहुत हल्की सी बेस लगाएंगे। अच्छा अब ये भी बताओ जरा कि ब्लैक पे जो आप नॉर्मली बेस लगाते हैं वही लगानी चाहिए थोड़ी फेयरर बेस लगानी चाहिए। नहीं नहीं नॉर्मली कपड़ों का रिफ्लेक्शन आता है कि ब्लैक में आप थोड़े से और ज्यादा डल और डार्क लगने लगते नहीं नहीं आप ब्लैक में डल डार्क नहीं लगते बल्कि ब्लैक में आप थोड़ा सा आपका रंग साफ लगने लगता है मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन गोरा बेस लगाऊंगा इनके तो ये ग्रे लगने लगेंगे। अच्छा तो एक टोन अपने से डार्क लगाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ब्लैक के अब हल्का हल्का सा हम जैसे इनके डार्क सर्कल है अगेन और मैं सिर्फ टैप कर रहा हूँ और मुझे क्लिप भी दे दो इस तरीके से NC35 में लगा रहा हूँ पूरे फेस पे और टैपिंग कर रहा हूँ ठीक है टैपिंग इस तरीके से टैपिंग कर रहा हूँ और हम कोई उसके बाद करने के बाद पूरे फेस पे इसी तरीके से हल्का 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 क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे लगा जैसे बेस आपने पहले से की हुई है नहीं उसके बाद हल्का हल्का सा बस अब आप उसको बैलेंस करने के लिए हल्का हल्का सा फिंगर टिप के साथ बहुत सॉफ्टली आपने रब नहीं करना आप जब रब करते हैं तो बेस आपकी उतर जाती है तो आपने बिल्कुल सॉफ्टली जैसे आपका हाथ जो मैं हर दफा बताता हूँ बहुत जैसे हवा में चल रहा हो और ये आंख के नीचे टैपिंग करनी है इस तरीके से करके ठीक है। असल गेम तो होता है जी आई मेकअप का ना अगर आपका आई मेकअप मजेदार होता है तो वो आपको पूरा मेकअप को एनहांस कर देता है। बेस तो जाहिर है बेस तो बेस ही है ना कि मतलब वो अच्छी होनी चाहिए उसके बाद सारा मेकअप जो है वो आपका डिपेंड करता है आंखों के ऊपर। तो आप कह रहे हो कि अगर इनके ऊपर क्योंकि इनके ऊपर गोल्डन काम वगैरह बहुत ज्यादा है कपड़ों पर तो आप कह रहे हो कि आंखें जो है वो न्यूड रखते हैं और लिपस्टिक जो है वो डार्क लगा देते हैं। नहीं आंखों पे भी करें थोड़ा सा ऊपर देखिए अब पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगा लें क्योंकि पाउडर टाइम के साथ उड़ जाता है। अच्छा हाँ जो लोग बोलते हैं जी पाउडर नहीं 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 तो क्या होता है जब हम बेस लगाते हैं तो बेस लिक्विड होता है या हम जब स्टिक लगाते हैं तो वो ऑयल बेस होता है तो उसको ऑयल कंट्रोल करने के लिए उसको बेस को लॉक करने के लिए आप पाउडर मस्ट है। तो पाउडर अगर ज्यादा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं क्योंकि पाउडर टाइम के साथ उड़ जाता है और स्किन के अंदर जितना चाहिए होता है वो स्किन के अंदर आ जाता है और बाकी सारा उड़ जाता है। अच्छा तो अब जैसे मैं पाउडर टैप कर रहा हूँ पाउडर भी आप लेकिन वाजिद जैसे अगर मेरी स्किन है मेरी बहुत ड्राई स्किन है और अगर मैं ज्यादा पाउडर आंखों के नीचे लगा लेती तो मेरे लाइंस पड़ जाते हैं। तो इतना नहीं उतना आपकी आंखों के नीचे अगर बहुत ड्राई स्किन है तो आप कम लगाएं। अच्छा बट बाकी सारी जगहों पे ज्यादा मैंने आपको पहले भी जब मेकअप करते थे तो बाकी सारी जगहों पे मैं ज्यादा ही लगाता था। तो हाँ अगर बहुत ज्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो फिर वहाँ पे हल्का सा सिर्फ आपने पाउडर लिया पाउडर लगाना है तो पाउडर लेने के बाद आपने पफ को इस तरीके से करना है झटकने के बाद फिर आपने टैप करना है और टैप करना है रब नहीं करना ठीक है। टैप मतलब आपको दबा दबा के लगाना है इस तरीके से आंखों के ऊपर। अब हम हल्का सा हमने पाउडर ही लगाया हमने कोई स्टिक वगैरह नहीं लगाई कोई बेस नहीं लगाया
और पानी चाहिए होगा, पानी चाहिए, पानी अरेंज करें प्लीज, पानी चाहिए जल्दी से डिस्पेंसर से, पीछे से पानी की बोतल दे दो शहजादी दी। हाँ। हो गया, अब हम करेंगे पानी की बोतल ले लेना यहाँ से ले। हाँ। अच्छा अब आप आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं? आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अब आई मेकअप जैसे आप फर्स्ट करेंगे ब्लैक कलर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑडियंस है उनको तो इतनी को अंदाजा नहीं है कि अगर ब्लैक कलर, क्योंकि अक्सर ब्लैक मेकअप कर रहे होते तो आपके यहाँ गिर जाता है। हाँ। ब्लैक जो मेकअप है वो इधर गिर जाता है। हाँ। तो फिर उसके बाद लोगों को, आम आवाम को नहीं पता कि उसको कैसे ब्लेंड, यहाँ तक कि मैं जब अपना मेकअप ब्लैक करती हूँ तो मेरा यहाँ गिरता है, उसके बाद फिर मेरा मर्ज हो जाता है और मैं ये डल लगने लगती हूँ, मेरे हल्के नुमाया। क्या है कि आप पाउडर लगा लें आंखों के नीचे, पाउडर रख लें और फिर उसको उतार लें। अच्छा। ठीक है, उस तरीके से कर लें। अगर वैसे गिर जाता है, आप दिखा सकते हैं कैसे पाउडर हम लगाएं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ। कौन सा पाउडर? लूज पाउडर होता है, लूज पाउडर की जगह अगर नहीं, यानी कि मेकअप आंखों का शुरू करने से पहले पाउडर इस तरीके से आंखों के नीचे पाउडर पाउडर रख लगा लें। जो अगर ये ओवर लग रहा हो, ओवर है या तो मैं टेलकम पाउडर होता है ना, सफेद जो आपको सफेद वाला जो पाउडर होता है वो लगा लें आंखों के नीचे, और जब मेकअप खत्म होता है आप उसको झाड़ लें। ठीक है, अच्छा अब क्या है, लेकिन टेलकम पाउडर नुकसान दे तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नुकसान दे नहीं होता। ओके ठीक है, एक सिंपल हमने ये गोल्डन शेड ले रहे हैं, गोल्ड शेड। हाँ ठीक है, और सिर्फ वो हम नीचे देखोगे आप खोलो और नीचे देखो लिड पे हम लगा रहे हैं, यू कैन सी। अच्छा जितना भी शिमर, आप बता दो ना कि कौन सा वाला मेकअप है ताकि लोग उसी हिसाब से सीखे। ओके, ये पार्टी मेकअप हम कर रहे हैं। नहीं मतलब इस मेकअप को आप क्या नाम देते हैं, ये गोल्डन अगर मेकअप है तो उसके कॉर्नर्स बनाओगे, लाइनर लगाओगे, क्या करोगे? ओके, हम लाइनर लगा के उसको कॉर्नर को हल्का सा ब्लेंड करेंगे, सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर मेकअप इसे हम कह देते हैं। ठीक है, हम इस सॉफ्ट कॉर्नर मेकअप अभी आपको सिखा रहे हैं गोल्ड के साथ, और ये वाजिद का सिग्नेचर मेकअप है, यानी मेरी आंखों पे तकरीबन 4 साल यही सूट करता था, है ना वाजिद, वही वाला मेकअप है ना। जो आपके ऊपर मेकअप अच्छा लगता है वो करें, ना कि आप नए नए के चक्कर में अपनी शक्ल खराब करें। तो वो वाली चीज है कि ये मेरे ऊपर होता था मेकअप। दूसरी आंख, ये मेकअप कौन सी एज की खातून पर ज्यादा सूट करता है? ये मेकअप जो है, अच्छा जो 25, 22, 30, 31, 32, 35 ठीक है, ये सब पे जाएगा। और जैसे 40 जिनकी जिनके ऊपर जिनकी जिन खवातीन के ऊपर लाइंस आ रही होती हैं, और तो वो शिमर अवॉइड करें, जितना शिमर है, जिनकी आंखों पे थोड़ी झुर्रियां होती हैं, जिनके रिंकल्स होते हैं, अगर वो शिमर लगाते हैं तो वो, और 35 साल में नहीं नहीं 40 के बाद तो हल्का हल्का सा आने लगता है, 45 के बाद। सो क्या है कि जो जिनके स्किन के ऊपर रिंकल होते हैं, अगर वो ये सारी चीजें करते हैं तो वो रिंकल और प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ज्यादा नजर आते हैं, तो वो मैट फिनिश करें। मैट फिनिश करें, ठीक है, वही सोच रहा था, है ना, जल्दी जल्दी। दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, गोल्डन शेड लगा रहे हैं। गोल्डन शेड आपको दिखाया वाजिद ने कि कौन सा वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, और लिड के अंदर से गोल्डन शेड से क्या होता है, आंखों पर सॉफ्टनेस आती है, सॉफ्टनेस आती है और आंख खुली भी लगती है। और सिल्वर शेड हो, अगर इनकी कढ़ाई सारी सिल्वर हो फिर क्या होगा? तो सिल्वर हम नहीं लगाएंगे, सिल्वर नहीं लगाओ, सिल्वर नहीं लगा, मैं लगा सकता हूँ बट सिल्वर नहीं लगाएंगे, सिल्वर के अलावा हम पिंक लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर गोल्डन काम हुआ हुआ है इस पर, इसके बजाय सिल्वर हुआ हुआ है, तो क्या हम उसके ऊपर भी गोल्डन आई मेकअप कर सकते हैं? नहीं, हम पिंक, गोल्ड और पिंक, पिंक के साथ मिक्स कर सकते हैं, ब्रॉन्ज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम अब इस लाइन को ब्लेंड कर रहे हैं मैट फिनिश कलर के साथ, ये जो लाइन आ रही है हल्की हल्की से हम ये ब्लेंड कर रहे हैं, कैन सी, इसको भी हम हल्का सा इसी तरीके से ब्लेंड करेंगे दोनों आंखों। ये कौन सा पिंक कलर इस्तेमाल करें? गोल्डन के साथ आप पिंक इस्तेमाल करो, पिंक से क्रीज की लाइन दे, सॉकेट लाइन, इससे क्या फायदा होता है? इससे सॉफ्ट लुक आ जाती है। अच्छा, इससे सॉफ्ट, बहुत सारे लोग मना करते हैं कि पिंक ना लगाएगा, बट जब पिंक गोल्ड के साथ मिक्स होता है तो वो एक अच्छी सी ट्रेंड बन जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्राउन मिक्स करते हैं, उससे बहुत आंखें अंदर धसी धसी लगती है, पिंक से थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम लाइनर लगाएंगे, सिंपल हमने ये लिया लाइनर का ब्रश और ये लाइनर लिया। अच्छा, जब भी आप लाइनर लगाते हैं तो आपको लाइनर की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। लाइनर आपने लिया इस तरीके से, आपने पॉइंट बना लिया, यू कैन सी, मैं थोड़ा सा लाइनर ज्यादा ले रहा हूँ। क्या होता है, जब आप ज्यादा लाइनर लेते हैं तो आपकी एक लाइन बहुत अच्छी बनती है ब्लैक, अदरवाइज क्या होता है, अगर आप कम लाइनर लेंगे और पानी ज्यादा ले लेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। हाँ। तो ग्रे से आपकी आंखें दब जाती हैं। तो अगर आपका लाइनर थिक लाइन लगी हुई होगी और वो अच्छी ब्लेंड होगी तो आपकी आंख खुली भी लगेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अक्सर हम लाइनर लगाते हैं और ब्लेंड कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें ग्रे हो जाती है, ग्रे आंख से आंख, ग्रे कलर से आंख दबी हुई लगती है, तो डार्क, ये देखिए। अब उसके बाद लाइनर लगाने का जो सही तरीका है, आंख खोले जो, और यहाँ से आपने ये लिया हल्का सा, ये उठाया
ये और नीचे देखिए कॉर्नर्स भी दे रहे हो ना तुम। और आपने क्या किया इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको भर लिया अंदर, एक लाइन स्मूथली बनाई और उसके बाद उसको भर लिया। उसके बाद फिर नीचे देखिए लैश के साथ, अब देखिए आपको चाहिए तो आपने लाइनर यहाँ से और उठाया और थिक क्वांटिटी में आप फिर लैश के साथ रख रहे हैं। अच्छा है लेकिन थिक क्वांटिटी वो नहीं, पतला है, बारीक है, बारीक लगाना है। सी, अब ये पूरी एक लाइनर की लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, एक ब्रश लिया, नॉर्मल ब्रश, देखें आई कैन यूज, हम ये यूज ब्रश करते हैं बारीक आगे का पॉइंट बना हुआ है और मैं ये यूज करता हूँ। यूजली लोगों के लिए ये आसानी होती है क्योंकि उसका पॉइंट बना इससे आराम से हो जाता है। मेरा हाथ इस पे बैठा हुआ है तो मैं इससे करूंगा और सिर्फ कॉर्नर पे दोबारा दिखाओ, पता नहीं इन्होंने क्लोज बनाया हो कि नहीं। ये इस ब्रश का क्लोज, ये अक्सर लोग जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। वाजिद का हाथ दूसरे वाले, मेरा मैं इसके साथ करूंगा और नीचे देखिए हल्का सा, और इस जगह पे सिर्फ इसी जगह पे मैं कोई बहुत लंबे स्ट्रोक्स नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ हल्का हल्का सॉफ्टली इसी जगह पे मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग। ये देखिए ब्लेंडिंग तुम कर रहे हो जैसे कॉर्नर के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ओके, ठीक है। बाहर की तरफ ब्लेंडिंग करने से क्या नुकसान होता है? बाहर की तरफ, अच्छा बस बाहर की तरफ कर सकते हैं, बट ये पार्टी मेकअप है तो फिर ब्राइडल ब्राइडल लगने लगेगा, शार्प लगने लगेगा और मैच्योर लुक आएगा, ठीक है। तो मेकअप जितना भी है आंखों के अंदर रह के करें तो वो ज्यादा सॉफ्ट लुक आता है, ठीक है। ये ब्लेंडिंग हो गई और थोड़ी सी आगे तक करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, जब ये ब्लेंडिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर आपने दोबारा से लाइनर का ब्रश उठाया, क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हैं तो वो लाइनर सारा ब्लेंड हो जाता है। अच्छा, चाहिए जब ब्लेंड हो जाते हैं तो फिर हमें एक फाइन लाइन देने के लिए, उसको शार्प करने के लिए, ब्लेंड करने के बाद फिर एक और फाइन, फिर बारीक सी एक लाइन लैश के साथ साथ, ताकि आपका एक लगे कि आपने लैश लगाई हुई है, उसका इफेक्ट आता है लाइक दिस। अगेन उसके बाद मायरा की जो आईब्रो है, अब हम एक पूरी एक साइड कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरी साइड हम ब्रेक में कर लेंगे, ब्रेक में कर लेंगे, ठीक है। अब हम आईब्रो बनाएंगे मायरा की, ये देखें, जैसे ये देख रहे हैं, मायरा के बहुत पतले फीचर्स हैं तो ये आईब्रो ठीक है, बट अगर इनको हल्का सा थिक करेंगे तो बहुत सॉफ्ट लुक आ जाएगा, पतले फीचर्स के साथ। हाँ, थोड़ी सी थिक करेंगे, देखिए। अच्छा, थिक हम किधर से करेंगे, बीच पे से करेंगे आईब्रो थिक, ऊपर से या ऊपर से करेंगे? ऊपर से, यानी जहाँ से शुरू हो रही है उसको थिक कर सकते हैं? हाँ, जहाँ से शुरू हो रही है उससे हार्श लुक तो नहीं आएगा? नीचे साइड से नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हम ऊपर से करेंगे। जरा क्लोज बनाए प्लीज इस चीज का, ये ऊपर साइड से करेंगे। और हम आईब्रो कहाँ से नहीं करेंगे ये बताओ वाजिद, इस जगह से नहीं करेंगे। अच्छा, सही है, ये नीचे वाले पार्ट से नहीं करेंगे बट ऊपर वाले पार्ट से करेंगे। अच्छा। लेकिन सी, मैं लगा रहा हूँ कलर, ठीक है, ठीक है, और हल्का सा मैं इसको इस तरीके से करके, ये देखिए लाइक दिस, सिंपल ये आपकी आईब्रो बन गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मस्कारा? हाँ, नहीं, उसके बाद हल्का सा मैंने ये ब्रश लिया और ये ऑरेंज शेड है मेरे पास, ऑरेंज पीची ऑरेंज, मैंने हल्का सा ब्रश पे लिया। एक मिनट, ये ऑरेंज ऑरेंज शेड मैंने इसको इस तरीके से लिया, ये थोड़ा खत्म पर है बट मेरा फेवरेट है तो ये मैं हल्का हल्का ऑरेंज, हाँ ऑरेंज, एक मिनट जरा लोगों को दिखाऊं ये ऑरेंज, अगर प्लीज आप जरा इसका शॉट बनाए कि ऑरेंज ये कलर है, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ अपनी उंगली पे, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो आपको ठीक है, हाँ। उसके बाद हल्का सा शेड, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल प्लेन हो जाती है, तो कहाँ तो लगा रही है ऑरेंज कलर? नीचे आंखों, आंखों के नीचे, यानी काजल वाजल आप नहीं दे रहे, लगा रहे, आप आंखों के नीचे ये ऑरेंज शेड दे, इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या होता है, आंख खुली भी लगती है, आप देखिए, और जमा हुआ नहीं हो, ये फैली भी लाइन है इससे, और लगाने के बाद उसको हाथ के साथ इस तरीके से कर दे, ठीक है, ये हो गया। अब मस्कारा रह गया क्योंकि फिर हमें ब्रेक पे जाना है, मस्कारा करेंगे, ये मस्कारा है, ठीक है, ये मस्कारा है, मस्कारा आपने उठाया, लगाने का तरीका, मस्कारा लगाने का सही तरीका, आपने मस्कारा लिया और उसके बाद आपने हाथ यहाँ रखा और नीचे देखिए और इस तरीके से आपने मस्कारे की एप्लीकेशन की है, लाइक दिस, इस तरीके से, ये इस तरह करेंगे, अगर हाथ पे पकड़ के तो अपना मेकअप खुद तो खराब नहीं कर लेंगे? नहीं नहीं, खराब नहीं होता, नहीं होता खराब, खराब नहीं होता, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये हो गया मस्कारा आपका, लग गया, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मस्कारा ऊपर लग जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। अब आप जरा दोनों आंखों का क्लोज करेंगे मेरे कैमरामैन प्लीज, जो भी, अच्छा सॉरी, क्या मस्कारा ऊपर लग गया, हल्का सा ऊपर जैसे लग गया, तो उसको वेट करें, क्यूटिप दे, क्यूटिप हुमा बोना, क्यूटिप दे हुमा, गप्पे मारे ही सही है। ये क्यूटिप से हल्का सा आपने क्या किया, इसको हल्का सा आपने इस तरीके से करके ब्लेंड कर दिया। अच्छा, फिर एक साइड की कॉन्टोरिंग भी बता दूं? फिर दूसरा हम पूरा ब्रेक में कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कॉन्टोरिंग का शेड लिया, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन ये ले लेते हैं,
ये डार्क ब्राउन कलर लिया। हाँ। तो ये ब्राउन कलर हमने लिया, एक बार मुझे दिखाना पड़ेगा। ये ब्राउन कलर है, ये देखिए ये वाला ब्राउन कलर वाजिद ने लिया है, ठीक है, अच्छा खासा डार्क कलर है, ब्राउन। मगर हाँ, इसको किस तरह, अगर बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है तो हल्का सा पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोलते हैं ब्राउन कलर लिया और आपने ये पेंसिल रखी है। हाँ। अच्छा, मायरा का फेस बहुत पतला है। अच्छा, तो हाँ आज मैं बताना चाहता हूँ, मायरा का फेस बहुत पतला है, जब आप बेस लगाते हैं तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो हल्का सा सिर्फ आपने कलर देना, ये हल्का सा मैंने यहाँ पे कलर दिया ये, ठीक है, और यहाँ पे दिया कलर। पेंसिल क्यों उठाई? पेंसिल मैंने उठाई थी कि मैं थोड़ा शार्प करूंगा, वैसे इनका फेस बहुत पतला है तो इतनी जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने ये बड़ा ब्रश लिया और ये पिंक आई शेडो, ये पिंक वो ब्लशर, पिंक ब्लशर लिया हल्का सा मैंने, और ये हल्का सा पिंक ब्लशर लिया, और उसके बाद मैंने पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से किया, ये देखिए कलर ब्लेंड कर दिया पिंक के साथ, यानी कॉन्टोर जो किया है उसके ऊपर आपने ब्लशर, पिंक के ऊपर मैंने ब्लशर किया है, कॉन्टोर के ऊपर, और उसके बाद हल्का सा मैं शिमर, ये दिस इज हाइलाइटर, ये मेरा हाइलाइटर है। अच्छा, हाइलाइटर लगाने का सही तरीका क्या है, आपने इस जगह पे लगाना है। हाँ। इस जगह पे, ठीक है, लाइक दिस, ओके, बहुत ज्यादा आपने यहाँ नहीं लगाना, बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाते हैं तो ऐसा लगता है ऑयल आ गया है। अच्छा। क्योंकि जब ऑयल पास होता है तो ऐसा लगता है कि आपने आपके मुंह में तेल निकल आया, इसको हमने जूड़ा बूढ़ा बना के कोई औरत लुक नहीं दे दिया, मेकअप भी बहुत सॉफ्ट है, बाल भी बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। जरा और खोलते जाए कैमरा, खोलते जाए, मैं बाल दिखाना चाह रही हूँ पीछे से, प्लीज बैक कलर जो है वो आप लोग हटें ताकि बालों का सही नुमाया हो। जी आप बाल देखिए, जरा इधर उधर करो मायरा, ये इस तरफ फ्लिक उठाया हुआ, ब्लो ड्राई हुआ है ना, और एक तरफ क्या बांधा है, ये चुटिया है, क्या है, ट्विस्ट किए हैं, ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट किए हैं, बहुत ज्यादा ओवर बाल नहीं बनाए हुए, मेकअप भी सॉफ्ट है, तो एक यंगर लुक आ रही है, और इस ये वाला मेकअप जो भी करेगा चाहे वो कितने भी बरस की औरत होगी उसका एक थोड़ा यंगर लुक आएगा, क्योंकि वो मेकअप